अरे इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, अगर उनको बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी भी शहीदी दे देते तो उनको तो करोड़ों रुपए मिल जाते, सरकार भी दे देती, और वो जरा सा आगे आ जाते, उनकी हिम्मत ही नहीं थी किसी की गोली चलाने की। ये कहीं ना कहीं जो है ना लापरवाही का मामला है, ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही का मामला है। अगर अपराधों को उसके लिए उसको तो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन के जो हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं या डीआईजी बैठे हैं चंडीगढ़ के अंदर, मैं उनसे भी आपके प्रेस के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने जो उनके एम्प्लॉय हैं उनकी भी छानबीन करके जांच करके अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एक दोषी के ऊपर कार्रवाई हो गई तो आगे से पुलिस प्रशासन कंट्रोल करेगा और ये हत्याएं होनी कम हो जाएगी, बंद हो जाएंगी। ये अगर आप सच्चे मन से एक आवाज उठाओगे यही सब मिलके कि जहां हमें हत्यारे वो हैं वहां कहीं ना कहीं जो अनदेखी की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा वो भी निंदनीय है, और उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। हम आज मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो लिप्त थे उनकी जो लापरवाही हुई है उसकी जांच की जाए, गहन जांच की जाए, और अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर भी कानूनी तौर पे जो भी एक्शन लेना है वो भी लेना चाहिए। जय भीम जय भारत। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नैनपाल रावत मुर्दाबाद, नैनपाल रावत मुर्दाबाद। आवाज वहां तक पहुंची ना नैनपाल तक, जब तुम्हारे काम में आए ना वहां तोते उड़ाना, तू वोट मांगने आते हैं ये। आज आज हमारे घर में हत्या हुई पड़ी है, आज कहां मर गए? वोट मांगने के लिए है क्या ये? याद रखना, बदला लेना है वोट की मोहर से। जय भीम जय भारत। कुर्सी से नहीं डरेंगे, कुर्सी से ये जो गुंडा करती है इसके पीछे पड़ती है, ये जो
का गुंडा करती है। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरोपियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरोपियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कैचो गुंडा करती है, इसी के पीछे पड़ती है। कैचो गुंडा करती है, इसी के पीछे पड़ती है। कैचो गुंडा करती है, इसी के पीछे पड़ती है। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैचो गुंडा करती है, इसके पीछे पड़ती है। कैचो गुंडा करती है, इसके पीछे पड़ती है। अपराधियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन धर्म करो, शरम करो, शरम करो। पुलिस प्रशासन धर्म करो, शरम करो, शरम करो। नहीं तो डूम मरो, डूम मरो, डूम मरो। नहीं तो डूम मरो, डूम मरो, डूम मरो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरोपी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आरोपी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आओ। पुलिस प्रशासन हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आओ। पुलिस प्रशासन हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आओ। अगले साल आ जाओ, जय हिंद, जय हिंद। कर उठो तुम्हें से, हमारे बड़े सीनियर अधिकारी खड़े हैं। मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं संचार न्यूज के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, गांव फतेहपुर विलोज के अंदर मौजूद है, जहां पर तमाम महिलाएं हैं। एक 35 वर्ष है, नहीं कमिश्नर साहब के आश्वासन चाहिए। हमारी बात हो गई है, ये तो कोई यहाँ से हटने वाला है। या तो आप कमिश्नर साहब को बुला लो, कमिश्नर साहब को बुला लो, बात कमिश्नर साहब नहीं आ रहे हैं। भाई कितनी बार हाथ जोड़ तुम क्या बैठ जाए, अगर है यहाँ तो बुला लो, सीपी साहब को बुला लो आप। नहीं बात हो गई, एक घंटे में तुम्हें भैया कमिश्नर साहब यही नहीं आते, अगर हम बोर्ड लेंगे उनके पहुंच जाएंगे। हम क्यों नहीं आप कर रहे हैं, ज्ञापन दे दो। नहीं नहीं थोड़ा सा गर्मी, आपको एक बार बता दी है बस, उस बात पे काम करो। अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो हमें माफ करो, सीधी बात है। हमने यहाँ पे अरे एक मिनट हमने बोलेंगे, हमने आपसे एक ही रिक्वेस्ट रखी है, हम भी अपना ज्ञापन देंगे, बुला लो कमिश्नर साहब को, देंगे आपसे जो हमने मांगे ना रिटर्न में। अगर सीपी साहब नहीं आते हैं तो आप रिटर्न में लेके आओ, अगर आपके पास पावर है, आप हमें उठाने की पावर रख रहे हो तो आप हमें लिख के दे के जाओगे, और आपके पास पावर है तो पावर नहीं होगा। पांच हथियार, एक परिवार, इस परिवार को 5 हथियार, 1 करोड़ रुपया मुआवजा, जिन जिनको चोट लगी है, जो पीड़ित परिवार का एक सदस्य खत्म हो गया, सरकारी नौकरी, एक सरकारी नौकरी जिसका परिवार से आदमी की हानि होगी, जो आश्रित उनको पेंशन, और जो आश्रित है उनको पेंशन। ये चीजों को आप लिख के लाइए, एक मिनट, ये चीजों को लिख के लाइए। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, ना हम आपके खिलाफ मुर्दाबाद बोलेंगे, ना कुछ करेंगे, लेकिन हमें ये और बता के जाए कि आप कितना टाइम लोगे। अगर आप हमें 8 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आप तैयार रहो, और आप अपनी फोर्स को भेज दो, हाईवे पर जाम करेंगे हम आज। आज हरियाणा को ये दिखा दिया जाएगा कि ये समाज मरा हुआ नहीं है। और अभी और इसमें जितने भी हम घटक हैं, चाहे हम बीएसपी से हैं या भीम आर्मी से हैं,
हमारा समाज का बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है, वो आप देख के नहीं आप परेशान हो जाओगे, आपकी नींद उड़ जाएगी। मेरी आपसे अपील यही है कि आध घंटे के अंदर हमें रिटर्न में दे, बस उसके बाद हम शांतिपूर्वक अपना करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप बार बार आओगे, बार बार जाएंगे, हमारे अंदर रोष हो जाएगा। ये समाज जो 7 बजे की बॉडी मिलने के बाद हमारे आदमी मार दिए घर में, उसके बाद आज अभी तक आपने कोई गिरफ्तारी नहीं करी, उन बंदों को सस्पेंड नहीं किया, आप क्या करोगे? ऐसा ना हो कि प्रशासन के ऊपर और आपके जरिए हमें नाराजगी दिखानी पड़ जाए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ये खास करके है कि बहुत शांति बना ली है, शांति का लावा फूट रहा है, चाहे मेरे बड़े भाई है, चाहे मेरे वकील साहब भाई है, या हमारे मनोज जी है, या हमारे और भी पार्टी के अधिकारी है, भाटी साहब भी है, यहाँ किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, अभी ये सर समाज की लड़ाई है। और जो बदमाश है उसकी कोई जाति नहीं है, मैं बदमाश को बाहर चाहिए, बस चाहे किसी भी समाज में पनपे, उसको खत्म करो और हमें ये मांग लेके आओ, आप हमें रिटर्न में दो, हम 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, अपने आप काम करेंगे। और आप एक बात बोलो, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए जो आज है, ये सारा आश्वासन तो चाहिए, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है, उसका क्या जवाब है आपके पास, वो तो बताओ। क्या कमी हो रही है? 24 घंटे होने को जा रहे हैं, एक मिनट बोलो, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या वो पूरा का पूरा परिवार में से एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं? आप सारे भाई भाग गए हैं यहाँ से। और एक बात का और जवाब दिया जाए कि पुलिस मौके के ऊपर थी तो वो क्या संरक्षण था, या पैसे खा लिए थे, या बुजदिल थी, इस बात का भी तो जवाब दो। या तो बुजदिल थी, कुछ नहीं कर पाई, या कुछ मिली हुई थी, या पैसे खा लिए थे, उसके ऊपर आपकी CID की रिपोर्ट या और रिपोर्टें क्या कह रही है वो भी तो बताओ। हत्या होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है, पुलिस की लापरवाही भी बीच में आ रही है, खाली गोली चलने से नहीं, हो सकता है गोली चलाने की हिम्मत भी ना पड़ती अगर पुलिस प्रशासन उस वक्त सख्त होता। इन सब बातों का आप तसल्ली से जवाब लेके आओ, अगर हमारी पब्लिक, हमारी जो यहाँ की पंचायत है संतुष्ट होगी जब ही उठेंगे, तो आप इन सारी बातों का जो पहले कही गई हैं और ये जो मैंने आखिर में बात करी है, इन बातों का कोई संतोषजनक जवाब लेके आओ। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि आपने जो मांगे रखी है कमिश्नर साहब के सामने, उन्होंने बात की है और वो कह रहे हैं हम उनकी सभी मांगों के बारे में हमने बात कर ली है, वो ज्ञापन अगर तैयार हो तो वो आ जाते हैं। ज्ञापन के लिए बोला ज्ञापन से बात नहीं बनेगी, ज्ञापन देंगे हम लिखने में, कर लेंगे लिखने में, सबको आप बोलोगे कौन बोलेंगे? हम बोलेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी डिमांड तो सरदार जी, भाई साहब, बड़े भाई, भाई साहब बैठो आराम से, मांग हम लिख के लेंगे, लिख के लेंगे। आपसे अभी पुलिस प्रशासन के SHO साहब आपसे मिलने आए, क्या कहा उन्होंने आपसे? हमारी जो मांगे हैं, देखिए मैं एडवोकेट ध्रुव कुमार, लीगल सेल प्रदेश उपाध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष शहर के, आज इस रोड पर जो ये बॉडी रखी है, पुलिस प्रशासन से हमने जो मांगे रखी है, एक तो पीड़ित परिवार, जो मृतक परिवार है, 1 करोड़ रुपया, और एक सरकारी नौकरी, और जो इसमें जो इंजर्ड पर्सन है उनको 50 लाख की सहायता। ये तो देखिए, जो आप मांग रखते हैं वो वाजिब है अपनी जगह, लेकिन पुलिस प्रशासन जब आपसे मिलने आया, उन्होंने कहा कि आप अपनी समस्या है या आप अपना मांग पत्र सौंपें, तो उन्होंने आपने उन लोगों को क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहली बात ये आती है आदरणीय साथी, कि अगर मांग हमारी है, वो व्यक्ति आना चाहिए उस मांग पत्र को लेने के लिए जिसको वो मांग पूरी करने का पावर हो, सक्षम हो, उसको अधिकार हो, ये ले जाएंगे उसको कच्चे खड़े पे डाल देंगे। वो ये कह रहे हैं अभी आप, और हम जब तक यहाँ पर CP साहब नहीं आएंगे, हमने कहा CP साहब को आप यहाँ बुला लो, CP साहब यहाँ आएंगे, हम मांग उनके सामने रखेंगे, ये हमारी मांग है। आपसे एक सवाल है जी, कि अभी उन्होंने ये कहा कि CP साहब वीडियो कॉल के थ्रू आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, तो आप लोगों ने क्या कहा? देखो, हम CP साहब की सभी मांगों को, सभी बातों को हम सहमत भी रहेंगे, लेकिन सर CP साहब जब तक, बहुत ऐसा हुआ हमारे समाज के साथ कि बोल देते हैं इस तरीके की एट्रोसिटी घटना होती है, बोल देते हैं कि भाई ये करेंगे, उसके बाद हमारा समाज जूते टूट जाते हैं, लेकिन उनके काम नहीं होते, उनको कुछ नहीं मिलता,
उनको बेकार कर देते हैं। इस बार सीपी साहब से भी हमें, जिसके पास भी पावर देते हैं सीपी साहब या खुद सीपी साहब आते हैं, अगर हमको रिटर्न में देते हैं तो हम इस पे काम करेंगे, अगर रिटर्न में नहीं देंगे तो आंदोलन लंबा होगा। धरना प्रदर्शन जो है सर्व समाज का है, किसी एक पार्टी का है, गांव का है? देखो, इसमें अभी ना तो किसी पार्टी का है, इसमें हर एक पार्टी का, हर एक कार्यकर्ता, हर एक धर्म का, जितने भी हमारे पास एनजीओ हैं, सब अपने साथ काम कर रहे हैं। ये केवल एक गलत विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं जितने भी ये संगठन है हमारे। बैनर पटके लगा के देखो, बैनर पटके तो ये एक अपना अपना वो होता है, क्योंकि लोगों के बात आती है वो उपस्थिति नहीं रहती, तो ये तो उपस्थिति है। आज हमारे पास भाई साहब भी हैं, भीम आर्मी के भी लोग हैं, अम्बेडकरवादी अम्बेडकर सभा के लोग भी हैं, और भी समाज के हैं। अभी तो हमारा पूरा समाज आया नहीं है, चाहे हम काम कहीं भी कर रहे हैं, हम मिशन के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और समाज को ही हम प्राथमिकता देते हैं। चाहते क्या प्रमुखता से जो अपराधी उनकी गिरफ्तारी आपको चाहिए, या जो सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा चाहिए सबसे पहले? देखिए, दो चीजें होती है, देखो को आर्थिक सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा, सबसे पहले क्या चाहिए? देखो, अपराधी को गिरफ्तारी चाहिए हमें सबसे पहले, उसके बाद हमें जिनके साथ, हमारे समाज के साथ आदमी की हानि हुई है, लोगों की हानि हुई है, उनके लिए हमें वो सुरक्षा चाहिए, और हमको सरकार से ये भी मांग है, दोनों चाहिए हमें, ये भी है कि इन परिवार के लिए कम से कम 5 हथियारों के लिए, लाइसेंस के लिए भी सरकार को तैयार करना पड़ेगा। तो मौके पे महिला थी उस समय, बात कर सकते हैं क्या? कर लो, बात कर लो। आप चलिए साथ, आपके आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए साथ, मैं आप चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़े रहे। देखिए, किसी महिला से मैं आपकी बात करा देते हैं जो मौके पर मौजूद थी समय। चलिए, आप ये देखें कि देखिए नीचे वहीं चल पड़ते ना 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 चेहरा ढके रखो, आ जाओ अपना नाम भी मत बताना आप, ठीक है ना? आप ये बताएं कि जो घटना घटित हुई है कि आपके सामने हुई थी, पूरा वाक्य बता सकते हैं? आप अपनी पहचान मत बताना बिल्कुल। हाँ, हमारे सामने हुई थी ये वाक्य। क्या हुआ था? ये हमारा भैया रास्ते में से आ रहा था, वो घेर लिया था, और अपने घर से लिखा के लाए थे एक गैली, और सबको मारने लग गए। पहले एक तलवार, एक जो कृष्ण है ना जी, उनका छोरा, उस पे तलवार थी, और जो दूसरा है वहाँ का ओम प्रकाश का बड़ा लड़का, उस पे बंदूक थी। पहले तो नुई फायरिंग कर रहे थे, फिर वो छत पर चढ़ के जब फायरिंग कर रहे। हाँ, एक पुलिस तो खुद ने गवाह दिया, मेरे भाई के फोन में वीडियो है उसकी। हाँ, हाँ। हमारे संविधान के साथ है, पीड़ित परिवार साथ है, तुरंत गिरफ्तारी भी होनी चाहिए।